हाय दोस्तों, आज हम जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट को डिस्कस करने वाले हैं। जेम्स एक ऑथर और एंटरप्रेन्योर हैं, तो ये हैबिट बिल्डिंग पर लिखी हुई बेस्ट किताब है। इसके अंदर आपको ये समझाया गया है कि हर छोटी हैबिट बाद में जाके बड़ी बन जाती है कंपाउंड इफेक्ट से। शुरुआत में हमें पता नहीं लगता है, पर वो छोटे छोटे एक्शंस बाद में कितने बड़ेपन बन जाते हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो एक उदाहरण है कि आप इमेजिन करो, एक एरोप्लेन लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ और किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से उसमें 3.5 डिग्री का एक साउथ टिल्ट आ गया। तो पायलट, क्रू और पैसेंजर किसी को भी पता नहीं चलेगा वो छोटा सा 3.5 डिग्री का टिल्ट उस प्लेन को लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क नहीं वॉशिंगटन पहुँचा देगा। रास्ते में किसी को कोई अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो ये छोटे छोटे चेंज ऐसे ही होते हैं, जब आप इन्हें लेते हैं तो आपको इमीडिएटली तो अच्छा नहीं लगता है, पर धीरे 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 बाद में एंड रिजल्ट कंपाउंडिंग की वजह से बहुत बड़ा होता है। जैसे आपने 2 समोसे एक दिन खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगी, बड़ा अच्छा लगेगा, पर रोज़ खाएंगे तो ओबेसिटी आ जाएगी। सिमिलरली एक पिज़्ज़ा रोज़ खाने पर शुरू में कुछ नहीं होगा, बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। 30 मिनट एक्सरसाइज रोज़ करने पर शुरू में कुछ पता नहीं चलेगा, पर एक लंबे समय के बाद आपको फिटनेस दिखेगी। सिमिलरली वॉकिंग से भी शुरू में पता नहीं चलेगा, लॉन्ग टर्म के बाद आप ज़्यादा फिट महसूस करेंगे। तो समझ में आती है बात कि धैर्य वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हैबिट बनाने में चाहिए होती है। दूसरा, चुनाव, कि आप कौन सी हैबिट का चुनाव कर रहे हैं, क्या वो हैबिट अच्छी है या बुरी है। तो अगर आपने एक अच्छी हैबिट का चुनाव किया है और धैर्य के साथ आप बिना रिजल्ट की चिंता के उसको लगातार रोज करते जा रहे हैं तो एक समय के बाद उसका कंपाउंड इफेक्ट आपको एक बड़ा परिणाम देगा। तो शुरू में अगर आप उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपये महीने बचाते हैं तो साल के आखिर में 1,20,000 रुपये की एक बड़ी रकम मिलेगी। पर यही पैसे आप साथ में म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो ये रकम और भी बड़ी हो सकती है। तो अगर आप ये आदत नहीं डालते तो शायद ये पैसा कभी आपके अकाउंट में दिखता ही नहीं। तो ऐसे थोड़े थोड़े चेंज इम्पॉर्टेंट होते हैं, ना कि कभी कोई आपने बड़ा एक चेंज किया। अब इस हैबिट सिस्टम को समझने के लिए, ये एक क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम है। 19वीं शताब्दी में एडवर्ड थॉर्नलाइक ने बिल्लियों पर एक एक्सपेरिमेंट किया। वो उन्हें एक काले बक्से में डालते थे, तो पहली बार जब बिल्ली को डालते थे तो वो संघर्ष करती थी, स्क्रीम करती थी, चिल्लाती थी, हाथ पांव मारती थी, और वहाँ एक लीवर लगा होता था, तो जब उसका पैर उस लीवर से टकराता था तो वो बाहर निकल आती थी। बार बार उसी बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट करने पे देखा गया कि जब 20 या 30 बार वो बिल्ली उस तरीके से निकल आने लगी तो आखिर में वो 6 सेकंड के अंदर ही उस बॉक्स से बाहर निकलने लगी। तो ये एक लर्निंग है ऑटोमेटिक हैबिट बनाने के लिए। अब हैबिट का जो सीक्वेंस है कि ये क्यू क्रेविंग रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड सिस्टम है। कैसे? जब आप एक अंधेरे कमरे में घुसते हैं तो आपके अंदर सबसे पहली जो ख्वाहिश होती है वो उजाला देखने की होती है, तो सीधा आप ऑटोमेटिकली स्विच बोर्ड पे हाथ मारते हैं और रोशनी मिलते ही राहत महसूस करते हैं। तो उस अंधेरे कमरे में घुसना वो एक क्यू है कि जैसे ही कमरे में घुसेंगे आपके दिमाग में नेक्स्ट ख्याल, वो क्रेविंग आएगी कि कहाँ से मुझे जल्दी से बटन मिल जाए, और उस बटन को दबाना वो एक्शन या रेस्पॉन्स है जो आप उस क्यू और क्रेविंग के बाद करते हैं। और रिवार्ड होता है वो उजाला, जिसके बाद आप सब कुछ देख के एक अच्छी फीलिंग महसूस करते हैं। तो सारी की सारी हैबिट इन्हीं 4 कदमों से जाने और अनजाने बनती है, अगर हम गहराई से देखेंगे तो हमेशा ऐसा ही होता है। जो लोग मॉर्निंग टी के आदी हैं वो जानते हैं, जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठना उनके लिए क्यू है। उसके बाद उनकी जो नेक्स्ट क्रेविंग होती है वो चाय पी के तरोताज़ा होने की होती है, तो उनका नेक्स्ट एक्शन या रिस्पॉन्स है कि उठते ही चाय बनाने के लिए दौड़ पड़ना, और उसको पीने के बाद जो वार्म और एनर्जी उनको फील होती है वो उसका रिवार्ड होता है। तो इस क्यू क्रेविंग एक्शन रिवार्ड सिस्टम से हम सारी की सारी नई हैबिट बना सकते हैं। माना कि आप घर में घुसते हैं और रोज शाम को आने के बाद आप कुछ जंक फूड खाते हैं, तो घर में घुसना आपकी एक क्यू है जिसके बाद कुछ खाने की क्रेविंग होती है, तो उसके एक्शन या रिएक्शन में आप जंक खाते हो तो उस जंक फूड को आप रिप्लेस करके एक हेल्दी स्नैक्स रखोगे, तो अब आपका जो एक्शन होगा
वो हेल्दी स्नैक्स खाना होगा, जिसका रिवॉर्ड होगा कि आप हेल्दी हो जाओगे। तो आपको इस क्यू को पहचानना होगा कि क्या करने पे आप क्या करते हो, क्या ऐसा माहौल आता है कि आप सिगरेट पीते हो या कोई अच्छा काम करते हो, उस क्यू को पहचानना होगा। और उस क्यू में क्या क्रेविंग होती है, क्या तड़प होती है जिसकी वजह से आप एक्शन लेते हो, उसको पहचानना होगा। जैसे आप जिम जाना चाहते हो, रोज़ घर लौटने के बाद आप थका फील करते हो, तो क्यू जो है आपकी वो घर पहुंच के जिम का ख्याल आना। पर उस क्रेविंग को अच्छा बनाने के लिए आप जिम के रास्ते में कुछ ऐसा सोच सकते हो कि कोई अच्छी चीज़ खाने की मिल जाए या कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो, तो वो क्रेविंग हो जाएगी और आपका टारगेट सिर्फ जिम तक जाना होना चाहिए। तो इसीलिए क्यू में आपके सामने जिम के कपड़े और शूज़ तैयार हों, तो जैसे ही आप उन्हें पहनोगे एक्शन आपका जिम के जाने तक होना चाहिए। रास्ते में क्रेविंग के लिए कुछ खा सकते हैं, कुछ पसंदीदा। तो जब एक बार वहाँ आप जाओगे तो उसका आउटकम आपका जिम की एक्सरसाइज का कंप्लीट शेड्यूल होगा। बाहर निकल के भी आप अपने आप को रिवॉर्ड कर सकते हो किसी टेस्टी जूस या कोई हाई प्रोटीन सब्सटेंस लेके लाइक एग। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है क्यू, क्रेविंग, एक्शन और रिवॉर्ड सिस्टम है। अब इसमें एक और तथ्य आता है, उसे हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। यानी कि हमारे माइंड को ईजी चीज़ें पसंद हैं, आसान चीज़ें पसंद हैं। उदाहरण के तौर पे अगर एक वाइफ अपने हस्बैंड को पूछती है कि अरे आज शाम को हमें मार्केट जाना है या नहीं जाना है, तो ये हस्बैंड के माइंड में एक टफ क्वेश्चन हो जाएगा, मुश्किल सवाल हो जाएगा कि जाना है या नहीं जाना है। डिसीजन लेने में उसको विल पावर खर्च करनी पड़ेगी, तो उसका आंसर नेगेटिव भी हो सकता है। पर अगर आप पूछोगे कि आज शाम को हमें मार्केट में जाना है और डिनर वहीं करना है, तो आपने उस क्वेश्चन के साथ उसको एक गाइडेड आंसर दे दिया, तो अब चाहे उसका मन हो या ना हो, आंसर हाँ में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीके से क्लैरिटी का होना बहुत ज़रूरी है आपके सवालों को, क्योंकि माइंड जो है स्ट्रेस या टेंशन पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी विल पावर खर्च होती है। 1954 में न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स ने चूहों के ऊपर ब्रेन में इलेक्ट्रोड्स लगाकर उनके जो गुड फील केमिकल डोपामिन को रोक दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि उन सारे इस रैट्स ने खाना बंद कर दिया, पीना बंद कर दिया, रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया और आखिर में वो दे डाई। तो ह्यूमंस को भी हर हैबिट या बिहेवियर के लिए डोपामिन चाहिए होता है, फील गुड चाहिए होता है। खाने पे आपको अच्छा लगे, खेलने पे अच्छा लगे, पार्टी में, तो अच्छा होने का एहसास होना जरूरी है। और आप देखेंगे कि खुशी मिलने की आशा में भी, कि अगर हम पहले सोचें कि वहाँ जाके बड़ा मज़ा आएगा, वो एंटिसिपेशन, वो चाहत कि वहाँ जाके हमें खुशी मिलेगी, वो भी एक रिवॉर्ड सिस्टम है। इसीलिए आपने देखा होगा, अपने बचपन को याद करो या अपने बच्चों को देखो, कि जब बच्चे छुट्टियों के आने से पहले ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं बजाय छुट्टियाँ बिताते हुए। वो जो एक्साइटमेंट होता है कि हम ये करेंगे, तो वो ज़्यादा उन्हें एक्साइटमेंट फील होता है बजाय छुट्टियों पे जाने के। तो इसे हम टेम्पटेशन बिल्डिंग कहते हैं, कि भावनाओं को बिल्डअप कर रहे हैं, अच्छी भावनाओं को। तो अगर आपको घर में एक्सरसाइज करनी है और एक्सरसाइज आपको बोरिंग लगती है, तो आप टीवी पे अपने फेवरेट प्रोग्राम को लगाओ और उसके साथ साथ करते हुए एक्सरसाइज करोगे, तो आप उस बोरिंग चीज़ को भी एक्साइटिंग बना सकते हो। तो बहुत सी बुरी हैबिट में इजी टू फॉलो, यानी कि जो हमने डिस्कस किया था क्यू, क्रेव, एक्शन एंड रिवॉर्ड सिस्टम, वो बहुत इजी होता है। तो बुरी चीज़ में कि आपने सिगरेट पीना है, तो वो एक बहुत ही सिंपल सा सीक्वेंस है, बाहर निकले, सामने दुकान दिखी और सिगरेट जलाई और यू फील गुड, तो बहुत ही सिंपल होता है। पर हेल्थ बनाना, लैंग्वेज सीखना, कोई डिफ़िकल्ट काम करना, उसमें ये क्यू, क्रेव, एक्शन, रिवॉर्ड सिस्टम डिफ़िकल्ट होते हैं। तो आपको देखना है जो फ्रिक्शन या डिफ़िकल्टी आती है इस क्यू, क्रेव, एक्शन, रिवॉर्ड सिस्टम को फॉलो करने में, उसे आसान बनाना। कैसे आसान बनाएं? जैसे बुक के ऑथर ने एक जिक्र किया है कि उनकी वाइफ किसी भी सोशल इवेंट में लोगों को ग्रीटिंग कार्ड देने के लिए बहुत ही तैयार रहती थी, जबकि राइटर हमेशा भूल जाया करते थे और वो लोगों को इस तरीके से ग्रीटिंग कार्ड देके ग्रीट नहीं कर पाते थे। तो पता चला कि राइटर की जो वाइफ हैं वो एक साथ ही बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स घर में खरीद कर रखती थीं, और उन्होंने वो सिस्टम बना रखा था कि उन्हें वो चीज़ें याद रहती थीं और वो इजीली उनको कार्ड पोस्ट करती थीं। बदले में जो लोगों से उन्हें पॉजिटिव आउटपुट मिलता था, वो और ज़्यादा इस चीज़ को कर पाती थीं। तो ऐसे ही बैड हैबिट के लिए जो फ्रिक्शन और डिफ़िकल्टी हैं, उनको हमें बढ़ाना चाहिए।
तो जैसे अगर आपको सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करने की बहुत ज़्यादा आदत है, आप घंटों करते हैं, तो आप उससे हर बार लॉग आउट करो, फेसबुक से, ट्विटर से, यूट्यूब से, और एक डिफ़िकल्ट पासवर्ड बनाओ, तो हर बार आसानी से स्क्रॉल करने की जो हैबिट है उस पर फ़र्क पड़ेगा। दूसरा 2 मिनट रूल है कि आप 2 घंटे पढ़ना चाहते हो तो ये एक डिफ़िकल्ट चैलेंज है ब्रेन के लिए, तो इसकी शुरुआत आप 2 मिनट पढ़कर करो। तो एक बार आपने उस काम को स्टार्ट कर दिया, इंड्यूस कर दिया, स्टार्टिंग गियर ले लिया, तो मोमेंटम आपको 20 मिनट पढ़ा पाएगा, और 20-20 मिनट के आप 4-5 शेड्यूल में पढ़कर 2 घंटे पढ़ सकते हो। तो अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो तो आपका टारगेट जिम जाना नहीं, जिम के शूज़ पहना और पहन के तैयार होना होना चाहिए, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। तो अगर आप अपनी हैबिट को इमीडिएटली सेटिस्फाइंग बनाना सीख सकते हो तो बिहेवियर को चेंज करना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे लोग जब मॉर्निंग में ब्रश करते हैं तो मुंह में एक अच्छी फ्रेश सेंसेशन आती है, तो जो डिलेड रिटर्न एनवायरनमेंट होता है कि आपको देर से सुख मिलता है, वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो हमें क्रिएट करना होता है इमीडिएट रिटर्न एनवायरनमेंट। तो जैसे सिगरेट पीने पे लोगों को तुरंत अच्छा लगता है, भले ही कैंसर कई सालों बाद होता है, अगर किसी को भी आज सिगरेट पी के कल कैंसर हो जाए तो कोई सिगरेट नहीं पिएगा। तो बेस्ट वे है ऐसी हर एक्टिविटी के साथ एक रिवॉर्ड लिस्ट को जोड़ दो। इमीडिएटली अपने आप को रिवॉर्ड करो हर अच्छी हैबिट के साथ। ज़्यादा अच्छा होगा कि हैबिट स्टैकिंग के साथ आप किसी अच्छी चीज़ को जोड़ दो, रिवॉर्ड सिस्टम को जोड़ दो, तो वो आपको अच्छी हैबिट बनाने में मदद मिलेगी। इसके लिए एक और सिस्टम होता है जिसे हम ट्रैक एंड कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बोलते हैं फॉर हैबिट बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है, क्या ट्रैक कर रहे हैं, क्या कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं? तो रोज डायरी लिखना अपने बारे में कि आज आपने किस चीज़ किस अच्छी हैबिट पे काम किया। तो इसका उदाहरण बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि बहुत ही अमीर आदमी थे अमेरिका के शुरुआती अमीरों में, तो वो 13 गुणों को, क्वालिटीज़ को अपने लिए प्रैक्टिस करते थे, और वो अपने एक्शन को और अपने आउटकम को रोज़ एक नोटबुक में लिखते थे। ऐसा करने पर उन पर उनके उन गुणों पर उनकी खुद की नज़र रहती थी, वो रोज़ याद भी रख पाते थे कि क्या काम मैं कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, और उसे करने पे जो सेटिस्फेक्शन मिलता था वो रोज़ नोट हो रहा था। कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम है कि आप अपने आप को नेगेटिव रीइन्फोर्समेंट के प्रिंसिपल पे काम कर रहे हो। मतलब क्या है कि अगर आपको लग रहा है कि आप ये काम नहीं करोगे, जैसे जिम नहीं जाते हो, तो आप अपने जिम ट्रेनर से वादा ले लो कि आप नहीं गए तो वो आपके 100 रुपये काट लेगा, या आप उसको 100 रुपये पे करोगे तो ये, और दूसरा आपकी इमेज ख़राब होगी उसकी नज़रों में, जो आप नहीं चाहोगे, तो आप ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ जिम जा पाओगे, तो अल्टीमेटली फ़ायदा आपका ही है। तो ये सिस्टम भी काम करता है। लोग सोशल मीडिया पे घोषणा कर देते हैं कि देखो अब मैं 6 महीने में अपनी बॉडी को चेंज करूँगा, तो ये चीज़ उनके लिए एक चैलेंज की तरह आता है, और उस चैलेंज पर वो बखूबी काम करते हैं। हैबिट स्टैकिंग। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो स्टार्ट करो। जब आप रोज़ाना चाय पीते हो तब करो। तो मेडिटेशन के लिए आप आधा घंटे के बारे में मत सोचो, मेक इट ईजी। आप 1 या 2 मिनट का मेडिटेशन जब भी आपको दिन में खाली टाइम मिलता है, माइंड को ब्लैंक करो, और थॉटलेसनेस यानी बिना किसी विचार के आप सांस पे अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करो, और 2 मिनट बाद फिर अपने काम में लग जाओ। ऐसा दिन में आप कई बार कर सकते हो। तो कुल मिला के इसमें ढेर सारी चीज़ें आपको सिखाई गई हैं इस किताब के अंदर, और अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको लगेगा कि जितनी भी हैबिट के ऊपर लिखी हुई किताबें हैं ये उसमें सबसे पावरफुल है। सो आई थिंक यू लाइक द बुक। और ज़्यादा वीडियोज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माइंड ऑफ बुक।